कानपुर के थाना चकेरी इलाके में स्थित मैकूपुरवा से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को लव जिहाद के चंगुल से आजाद कराकर पुलिस के सुपुर्द किया है। वहीं सभी आरोपी विशेष धर्म के लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के नेताओं ने बताया कि चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाले माता पिता ने अपनी लापता 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को नवरात्र पर्व से ही खोजने की गुजारिश पुलिस से कर रहे थे। पीड़ित पिता के मुताबिक उनको सूचना मिली कि मैकूपुरवा निवासी दानिश, जिसकी उम्र 20 साल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उनकी नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाकर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन कर कमरे में बंद कर रखा है और लड़की का नया नाम मुस्कान खान कर दिया है तथा उसको जहां भी जाते हैं अपने साथ ले जाते थे और उसके बाद कमरे में बंद कर दिया जाता था। नाबालिग लड़की की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता चकेरी थाना क्षेत्र के मैकूपुरवा पहुंचे और खोजबीन कर उसे बरामद कर लिया तथा थाना चकेरी पुलिस से हवाले कर दिया। मौके से दानिश अपने परिवार सहित घर से भाग निकला। पुलिस को परिजनों ने लिखित शिकायत की है। पुलिस का कहना कि पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आरटीआई न्यूज 24 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। फिर से जो है लव जिहाद का जिन्न बाहर निकला है, क्या है पूरा मामला, कहां की घटना? देखिए, एक नाबालिग लड़की है जो 14 से 15 साल की होगी और रामनवमी यानी कि हम कहें नवरात्रि के समय के आसपास से इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से वो किसी दानिश नाम के लड़के से चैटिंग करती थी। हालांकि उस आईडी में वो किसी हिंदू नाम से लड़की से बात करता था और उसमें उसने अपनी बहुत सी बंगले के साथ और कार के साथ इस तरह से जैसे अलग अलग फोटो डालते इस तरह से वो फोटो डालता था, जिससे लड़की इम्प्रेस हुई और उस इंस्टाग्राम आईडी से इम्प्रेस होने के बाद वो लड़की उस दानिश नाम के लड़के के घर चली गई, जहाँ पर दानिश और उसकी माँ मकसूदा इन लोगों ने उस लड़की को पहले तो रखा कुछ दिन और उसके बाद उसको बंधक बना लिया। सबसे पहले तो उन्होंने लड़की का सिम कार्ड तोड़ा। सिम कार्ड तोड़ने के बाद जो लड़की का फोन था उस फोन को दानिश यूज करने लगे और उसके पश्चात लड़की ने अपने परिवार से कई बार संपर्क करने की कोशिश करी, मगर जो दानिश की माँ थी मकसूदा वो जब भी घर से जाती थी तो उस लड़की को घर में बंद करके जाती थी। लड़की ने कई बार वहाँ से भागने का प्रयास किया और इस बीच में उन्होंने लगभग 2 से 2.5 महीने की जो अपनी अवधि रही, इस अवधि में उन्होंने जो लड़की थी उस लड़की को उन्होंने जो लड़की के बयान के अनुसार उन सभी लोगों ने एक तो उसको मस्जिद ले जाना चालू कर दिया, दूसरा उसे गाय और भैंस का मीट खिलाया सबसे बड़ी बात, और उसका नाम जो था उस नाम को परिवर्तित करके उन्होंने उसका नाम मुस्कान खान रख दिया। और लड़की आज हम लोगों को किसी माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि मैकूपुरवा के एक क्षेत्र में एक घर में उसको पीछे उन लोगों ने बंद कर रखा है। हम लोग वहाँ पर वहाँ के क्षेत्रीय लोग और उनके परिवार के लोग वहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर लड़की मौके पर हम लोगों को तो मिल गई, मगर बाकी जो दानिश था वो वहाँ से फरार हो गया। सर, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसे किस तरीके से ले? नहीं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव इस तरह के लव जिहाद के प्रकरण की और आवाज उठाता रहता है और पुनः ये आवाज उठा रहा है, क्योंकि एक लड़की आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष की लड़की उसका मानसिक विकास कितना होगा और उस लड़की को एक 19-20 साल का लड़का जो इंस्टाग्राम के माध्यम से फर्जी फोटो डाल करके या कार के साथ बंगले के साथ ऐसी फोटो डाल करके उसको इम्प्रेस करता है और इम्प्रेस करने के बाद उसको लेकर के अपने घर चलाता है और घर की परिस्थिति यदि आप देखेंगे तो उस घर में आपका बैठने का मन नहीं होगा जिस घर में उसको रखा जाता था। क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया? बिल्कुल, लड़की ने जो बताया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही घर में मतलब एक ही कमरे में एक तरफ उसके माँ बाप लेटे, बहन लेटी है और दूसरी तरफ जो उसने लड़की का मतलब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, यानी एक ही कमरे में माँ बाप लेटे, बहन लेटी और वहीं पर ये सब हो रहा है। पुलिस किस तरह कार्रवाई करेगी? पुलिस का मामला, पुलिस अपना अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, हम लोगों ने मतलब लड़की की माँ ने एप्लीकेशन दी हुई है और ऐसा तो हमने बोला है कि जो भी लड़की के बयान के अनुसार और एप्लीकेशन अनुसार आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, किस एरिया से लड़की को बरामद किया गया? लड़की मैकूपुरवा एरिया से बरामद हुई है और मैकूपुरवा में एक नाले का किनारा पड़ता है जहाँ पर लड़की को रखा हुआ था। बाबू जी, बेटी के साथ क्या घटना हुई और आज आप लोग कहाँ पर आए हैं? सर, हम लोग तो घर में थे, 2 बजे ड्यूटी से आए बेटे मेरे घर में थे, ठीक है, उसके बाद बात हंसते बोलते पता नहीं 3 बज के पता नहीं कोई फोन आया, उसके बाद चले गए तो हमने सोचा कि टॉयलेट गई ऊपर, इसके बाद हमने देखा देखे नहीं। सर, बेटी के आपकी बेटी को कई दिनों से बंधक बना के रखा था, क्या जानकारी आप लोगों को नहीं? सर, हम लोग जानकारी नहीं थी किसी, हम लोग सिर्फ इज्जत की वजह से रहते थे। कितना समय हो गया बेटी को घर से गए? हमारे 22 अक्टूबर। अच्छा, आज आप लोग कहाँ पर आए? आज हम लोग आप लोग के साथ आए हुए हैं यहाँ पर भी थाने में। पुलिस किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है? सर, ये पुलिस ठीक ठाक कार्रवाई करे, अभी तो जैसा माहौल चल रहा है। न्याय मांग रहे हैं आप? जी हाँ। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे
से हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।